हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार मेरे एकदम खतरनाक से वीडियो के अंदर। क्योंकि आज की सारे वीडियो के अंदर मैं आपको आपके स्नैपसीड ऐप का यूज कर आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, जो कि दिखने में भाई बहुत ही ज्यादा कूल सी है। तो इफ यू आर एक्साइटेड टू वॉच दिस वीडियो, प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गाइस यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देना। सबसे पहले यहाँ पर पिक्स यानी कि अपने स्नैपसीड ऐप को यहाँ पर आपको ओपन कर देना होगा। तो यानी कि ओपन कर देने के बाद सिंपल बीच में जो आप प्लस का आइकन नजर आ रहा है, सिंपल इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो यानी कि जैसे आप इसमें क्लिक कर रहे थे आपको जो गैलरी ओपन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, गैलरी से सिंपल अपना आपको वो वाला फोटो सेलेक्ट कर देना होगा जिसको भी यहाँ पर आप जो है एडिट करना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना फोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। तो अभी आप कुछ पेंसिल वाला आइकन में यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद अभी कुछ ट्यून इमेज वाला आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा। फिर कुछ इस टाइप इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना होगा। नीचे अगर इसकी कंस्ट्रेंट को कुछ इतना सा अराउंड 40% तक इंक्रीज कर देना होगा। सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। एम्बिएंस को थोड़ा बहुत कम कर देना होगा। हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना होगा। और शेडो को कुछ इतना सा कम कर सिंपल राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी सी लाइट आपके फोटो पर ऐड हो चुकी है। तो अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देन सिलेक्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर आप कुछ नहीं करना, अपनी बॉडी से ऐसे यहाँ पर आपको मतलब कि अपनी बॉडी पर ऐसे टच कर देना होगा। फिर इसकी साइज इस टाइप से डिक्रीज कर देना, इस टाइप से। फिर इसकी ब्राइटनेस बढ़ाकर नीचे आकर इसकी सैचुरेशन को यहाँ पर आपको डिक्रीज कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो फुल प्रोसेस यहाँ पर आपको यानी कि कर देना होगा, ताकि आपकी बॉडी जो यहाँ पर सही तरीके से रिटच मतलब कि हो पाए। तो मैं पूरा का पूरा इसको रिटच कर लेता हूँ जल्दी से। तो ऑल एंड राइट गाइस यार, जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी भाई राइट में क्लिक कर देना होगा। अभी आप देख सकते हो भाई पूरा का पूरा आपका फोटो पहले से कितना ज्यादा व्हाइट यानी कि रिटच हो चुका है। तो अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा। देन इस ब्रश वाले आइकन में सिंपल लेके क्लिक कर देना होगा। फिर आपको सैचुरेशन वाले ब्रश को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। फिर इस टाइप से अपने फोटो को जूम इन कर देना होगा यहाँ पर आपको, और यहाँ पर अपने लिप्स पर थोड़ा सा नजर आ रहा है भाई यहाँ पर आपको कर देना होगा। फिर सिंपल राइट में आपको जो है क्लिक कर देना होगा। तो अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देने के बाद अभी आपको इस विंटेज टी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। इसके आउटर ब्राइटनेस को अराउंड -50% तक रख देना होगा। जिसके भी आप देख सकते हो फिर सिंपल राइट में क्लिक कर देना होगा। तो ऑल राइट गई जाए, जैसे कि भी आप देख सकते हो स्नैपसीड का हमारा काम तो यहाँ पर खत्म हो गया है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, इस इमेज को आपको अपने शेयर कर देना होगा अपने लाइट रूम ऐप के अंदर। तो शेयर करने के लिए नीचे जो आप देख पा रहे हो जो एरो फेस कर रहा है, सिंपल इसमें क्लिक कर देना होगा। नेम के ऊपर शेयर वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो मतलब कि शेयर जिसमें भी करना चाहो यहाँ पर आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल हम लाइट रूम ऐप के अंदर इसको यानी कि ओपन कर लेते हैं। यार जैसे कि भी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो भाई, अभी नहीं सिंपल मतलब कि शेयर हो चुका है। तो ओपन करने के लिए आपको इस ऑल फोटोज में क्लिक कर देना होगा। देखिए जो आपको यहाँ पर वो वाला आपका फोटो देखने को मिल जाएगा जिसको भी अभी आप शेयर कर रहे हो। तो सिंपल उस फोटो को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा। तो मैं जो इस पर एक प्रीसेट ऐड करने वाला हूँ, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पर भाई आपको तो नजर नहीं आ रहा होगा खैर, तो बट मैं इसका यहाँ पर जो है कॉपी कर लेता हूँ। चलो भाई यार, सेटिंग को कॉपी करने के बाद आपको ऊपर थ्री डॉट्स वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, यानी कि थ्री डॉट्स में क्लिक कर देना होगा। नीचे अगर स्पेस्ट सेटिंग में क्लिक कर देना होगा। और ऑल्सो प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हो आपका फोटो कितना ज्यादा सही लुक से भाई बैकग्राउंड एकदम भाई खतरनाक सा बैकग्राउंड नजर आ रहा है पहले से। तो आई होप आपको ये वाली एडिटिंग जरूर अच्छी लगी। तो प्लीज यार इस वीडियो को जल्दी जाकर लाइक जरूर कर देना। अगर आपको ऐसे ही खतरनाक वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल मैं दूंगा। आपके लाइक करने से प्लस में सब्सक्राइब करने से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मैं भी बोलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।